हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो सुत्यांग होता है वो अपने शर्त के मुताबिक रैंगशी, जो कि उसकी फेक फियांसे होती है, उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि रैंगशी ये चाहती है कि वो फिलहाल के लिए अपने फैमिली मेंबर्स को ये यकीन दिलवा दे कि वो जो है कि वो सुत्यांग के साथ एंगेजमेंट करने के लिए तैयार है, ताकि उसे कुछ सालों की मोहलत मिल जाए और इसी सालों के दरमियान वो अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर सके। तो यहाँ अब दिखावे का फियांसे बनने के लिए सुत्यांग ने यहाँ रैंगशी से अच्छी खासी रकम वसूल की होती है। अब यहाँ से एपिसोड की शुरुआत होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो एक स्टोन मेमोरी का यूज करेंगे, ताकि वे दोनों एक ऐसा दृश्य दिखा सके जिसमें वो एक ही बेड पे सोए हैं, इससे उनके फैमिली मेंबर्स को यकीन आ जाए कि ये दोनों एक्चुअल में शादी करना चाहते हैं। यहाँ इन दोनों की ही आपस की खिटपिट शुरू होती है। हालांकि ये दोनों ही मन में एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कोई भी यहाँ पे इजहार करने में पहल नहीं करता और वे एक दूसरे पे ही चिल्ला रहे होते हैं। और सुत्यांग अब जल्दी रैंगशी से ये सारा नाटक खत्म करने को कहता है और उससे इस नाटक के बदले में वो अब और भी ज्यादा मनी की डिमांड करता है। अब आगे ये लोग अपना नाटक शुरू करते हैं, जिसमें रैंगशी की जो बॉडीगार्ड स्पाइडर होती है वो इसमें इनकी मदद कर रही होती है। वहाँ पे एक स्पिरिचुअल स्टोन अपेयर होती है जो इनके सोते हुए मेमोरी को कैप्चर करेगी। और आखिरकार रैंगशी काफी हिचकिचाहट के साथ सुत्यांग के करीब तो आती है, लेकिन वो ये सोच के घबरा रही होती है कि इस बंदे के करीब आखिरकार वो इतना सेफ कैसे फील कर सकती है। और आगे यहाँ सुत्यांग के इतना करीब होने से रैंगशी के मन में उसके लिए फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती है। इधर हम रैंगशी के बॉडीगार्ड को देखते हैं, जो इन दोनों से ज्यादा ही ऑकवर्ड फील कर रही होती है। बागे स्पाइडर गर्ल यहाँ इन दोनों की एक साथ मेमोरी कैप्चर करती है, लेकिन वो दोनों जन एक दूसरे में इतना लीन हो जाते हैं कि स्पाइडर गर्ल के काफी देर आवाज देने के बाद यहाँ पे रैंगशी को होश आता है। लगातार उसे चिल्लाते हुए कह रही होती है कि टास्क यहाँ कंप्लीट हुआ, अब आप उठ सकती हैं। अचानक से रैंगशी को यहाँ पे यूँ ख्याल आता है कि वो आखिर यहाँ पे कर क्या रही थी, और जिस शर्म के मारे उसके तो गाल लाल पीले हो जाते हैं। अब आगे हम रैंगशी को देखते हैं कि वो शर्म के मारे वहाँ से घबरा के चली जाती है, और यहीं पे ये सीन कट होता है। अब अगले सीन में हम उसी के बेस्ट फ्रेंड राया को देखते हैं, जिसने सुत्यांग से ही वो रिकवरी पिल लिया था ताकि वो अपने ग्रैंडफादर की इलनेस को क्योर कर सके, क्योंकि यहाँ राया के ग्रैंडफादर भी मरने के कगार पे होते हैं। और यहाँ वो उसी पिल को चेक कर रही होती है कि वाकई में ये पिल उन्हें रिकवर कर पाएगा कि नहीं। ये तभी वहाँ पे अचानक से राया के फादर आ जाते हैं, जो राया को खूब डांटते हैं कि आखिर उसने ग्रैंडफादर को कौन सी चीज खिला दी है। स्पिराया उन्हें सारी बात बता देती है कि ये एक तरह का डिवाइन इक्लिजर है जो कि रिकवरी पिल की तरह भी काम करता है, और ये उसने 3 लाख गोल्ड कॉइन देकर के खरीदा है। अब ये सुनते उसके फादर यहाँ राया को काफी डांट लगा देते हैं, क्योंकि वो जो रिकवरी पिल होता है वो जवान लेवल का पिल होता है, और इस तरह का पिल कोई 3 लाख गोल्ड कॉइन में आखिर कैसे दे सकता है। उसके फादर उसके काफी डांट लगाते हुए कहते हैं कि जरूर तुम्हें किसी ने बेवकूफ बना दिया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ जो राया के ग्रैंडफादर होते हैं वो कुछ हरकत दिखाना शुरू करते हैं। राया के फादर उसे ये कहते हुए कि इन सब चीजों के लिए मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, क्योंकि अभी हमें ग्रैंडपा की रिकवरी के बारे में सोचना है। बागे जो वो बंदा होता है वो ग्रैंडफादर को यहाँ पे हील करना शुरू कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि थोड़ी देर में उसके ग्रैंडफादर की आंखें खुल जाती हैं और वो अब पूरी तरह से क्योर हो चुके होते हैं। ये देख के सारे लोग चौंक जाते हैं कि आखिर वो रिकवरी पिल रियल निकला। इस बात को लेकर के कि जो उनके ग्रैंडफादर है वो पूरी तरह से हील हो चुके हैं, पूरे चीन फैमिली में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब इसी के साथ ही यहाँ पे सीन चेंज होता है, और अगले सीन में हम सुत्यांग को देखते हैं जो कि कल्टीवेट कर रहा होता है। उसके साथ साथ वो जो उसका क्रिएचर लिंगर होता है वो भी अब पूरी तरीके से तैयार था, क्योंकि सुत्यांग ने अपने मार्शल आर्ट के लेवल को काफी आसानी से पास कर लिया था, इसलिए अब उसे अपने नए मार्शल आर्ट की जर्नी के अगले पड़ाव के लिए लैनहाओ एकेडमी में जाना होता है। आगे हमें लैनहाओ एकेडमी के बारे में बताया जाता है, जहाँ पे अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, और जो सुत्यांग होता है वो इसी एकेडमी के एक ब्रांच लैनहाओ वूफी में एडमिशन लेता है, जो इस पूरे अल्केमिस्ट कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट मार्शल आर्ट हाउस होता है। और इस एकेडमी में डिसिपल्स को चुनने के लिए यहाँ पे हाई लेवल के असाइनमेंट दिए जाते हैं, जिसके कारण उनके अंदर का एक्सट्रीम मार्शल आर्ट इनहेरिटेंस होगा। साथ ही उस मार्शल आर्ट हाउस में ऐसे एक्सट्रीमली ट्रेनिंग रिसोर्सेज हैं, क्योंकि किसी भी डिसिपल की कल्टीवेशन लेवल को हायर से हायर लेवल तक पहुँचाने में काफी ज्यादा मदद करता है। साथ ही जो डिसिपल अपने कल्टीवेशन लेवल के पीक पॉइंट पे पहुँच जाते हैं, उन्हें अब इस एकेडमी के अगले पड़ाव जो की स्पार्कल एकेडमी होता है वहाँ पे एडमिटेड किया जाएगा। फिर वहाँ से इन डिसिपल की एक अलग जर्नी शुरू होगी, जो कि अगला पड़ाव उनका ड्रैगन बनने के लिए होगा। ये जो ड्रैगन मेंस होते हैं वो यहाँ पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट लेवल के कल्टीवेटर माने जाते हैं। अब आगे हम सुत्यांग को देखते हैं कि वो लैनहाओ वूफू एकेडमी में तो पहुंच चुका था, जहां उसकी मुलाकात उसी सेक्स इल्डर से होती है, और इसी सेक्स इल्डर ने यहाँ सुत्यांग का मार्शल आर्ट के लेवल का टेस्ट लिया होता है।
वे जो सेक्स सेलर होते हैं वो सुतियांग से काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, इसीलिए उन्होंने सुतियांग को एक प्रिविलेज दिया था। सुतियांग के लिए ओसुजाकी एकेडमी में उन्होंने एक अलग से प्रैक्टिस हॉल को भी बनवा रखा था ताकि वो यहाँ पे अपने मार्शल आर्ट की कड़ी मेहनत कर सके, और अगर इस एकेडमी में कुछ ऐसी परेशानी होती है तो वो अपने हर प्रॉब्लम के लिए या किसी चीज के सॉल्यूशन के लिए वो बेधड़क सिक्स एल्डर के पास आ सकता है। आगे लैनहाओ वुफू एकेडमी में अच्छे से एडजस्ट करने के लिए वो सुतियांग को एक जेड भी देते हैं, और वो जेड स्लिप ऐसा होता है कि इसमें इस एकेडमी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ साथ इस पूरे एरिया के मैप का भी उसमें डिटेल इंट्रोडक्शन दिया होता है। आगे यहाँ पे वो सुतियांग को एक लैनहाओ मैंशन भी अलॉट करवाते हैं, क्योंकि इस एकेडमी का ये रूल होता है कि जो भी स्टूडेंट अपने मार्शल आर्ट में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करता है सिर्फ उन्ही स्टूडेंट्स को ये प्रिविलेज दिया जाता है। लेकिन जो सिक्स सिल्डर होते हैं वो वहाँ से जाने से पहले सुतियांग को एक वार्निंग भी देके जाते हैं, इस मैंशन में तुम्हारे जैसे कई सारे और भी पुराने स्टूडेंट्स रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ ही प्रैक्टिस करेंगे तो तुम्हें उनके साथ अच्छे से बर्ताव करना होगा। 3 दिनों के बाद तुम्हारा उन लोगों के साथ कंपटीशन होगा तो तुम्हें इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अब आगे थर्ड एल्डर वहाँ से चले जाते हैं, और अब सुतियांग से मिलने के लिए उसका पुराना राइवल हान पेंग भी वहाँ पे आ चुका था, जो कि सुतियांग से फिर से बदतमीजी करना शुरू कर देता है, जिसपे सुतियांग उससे कहता है कि लगता है कि पिछली बार की पिटाई तुम पूरी तरह से भूल चुके हो, इसीलिए मुझसे दोबारा पिटने के लिए यहाँ पे आ गए हो। जिस पे हान पेंग उसे ललकारते हुए कहता है कि अपने आप में ज्यादा प्राउड फील मत करो, पिछले बार जरूर मैं तुमसे हार गया था लेकिन उस समय मैं काफी केयरलेस था। जिस पे सुतियांग उसे कहता है कि कमजोर लोग हमेशा बहाना बनाते हैं, और अगर तुम स्मार्ट होते तो मुझसे भिड़ने के लिए दोबारा यहाँ पे नहीं आते। ये सुनते ही वो पूरे तरह से गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है कि इतने में उसके बगल का जो खड़ा और दूसरा बंदा होता है वो यहाँ इस बात का जवाब सुतियांग पे हमला करके देता है। लेकिन सुतियांग उसके अटैक को आसानी से डॉज करता हुआ उसे एक जोरदार किक मारता है, और एक ही किक में उस बंदे को यहाँ सुतियांग की पावर्स का आभास हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इनकी फाइट इतने में ही नहीं रुकती, आगे सुतियांग अपने स्पिरिट को एक्टिवेट करता है, और इस स्पिरिट के मात्र एक्टिवेट होते ही हम उस बंदे को देखते हैं कि इतने जोर से वो नीचे गिरता है, और उसकी इस तरह से मार खाने के साथ ही एपिसोड को यही खत्म कर दिया जाता है। अजीब सी जगह पे तो एंड हुआ है, लेकिन आगे की कहानी एकेडमी से शुरू होने वाली है, जो कि हमें काफी इंटरेस्टिंग वेज में दिखाया जाएगा। सो गाइज, अगले एपिसोड के लिए बनी रहिए हमारे इस चैनल के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसी तरह की अमेजिंग सीरीज का एंटरटेनमेंट लेने के लिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे आपसे इसके नेक्स्ट एपिसोड पे, टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, बाय।